करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स चैप्टर नंबर 11 का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग देख रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। नंबर वन, अ कंपनी यूजुअली ओपन्स डैश अकाउंट इन अ बैंक, करंट सेविंग्स और रिकरिंग। बोलो, करंट सेविंग अकाउंट। क्यों नहीं? सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल अपने नाम पे खोलता है, जो कंपनी है वो अपने नाम पे करंट अकाउंट ओपन करती है। बैंक इज अ डैश इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल सोशल कल्चरल। कॉमन सेंस है ना भाई, कोई लाफिंग क्लब थोड़ी है कि तुम सोशल इंस्टीट्यूशन करो, ठीक है ना? तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सो बैंक क्या है? इट्स अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी। द अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर इज यूजुअली मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी, चेयरमैन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ पे? बोर्ड मीटिंग में। कैसे? रेजोल्यूशन पास करके। अब याद है मैंने तुमको बताया था, कौन बताएगा? बोर्ड का सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 में। सरप्राइज, मैंने बताया था। वेरी गुड। हर सेक्शन का डेफिनेशन क्या रहता है? 2, 10 साल की उम्र में तुमने सोचा था कि तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होगे। 2 सबसेक्शन 10। फिर डायरेक्टर कब बने? 34 ईयर्स में। 2 सबसेक्शन 34 डायरेक्टर। और मैनेजिंग डायरेक्टर ठीक 20 साल बाद तुम क्या बने? मैनेजिंग डायरेक्टर। 2 सबसेक्शन 54। और तुम आखिरी होल टाइम जिंदगी बनाए बिताए डायरेक्टर 94। 2 सबसेक्शन 94। ओके। रेजोल्यूशन फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट पास इज पास इन द डैश मीटिंग। बोर्ड, स्टैच्यूटरी और एनुअल जनरल। बोर्ड मीटिंग, सीधी बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे तो बोर्ड मीटिंग में ही होगा ना। बाय द वे, स्टैच्यूटरी मीटिंग कंपनीज एक्ट 1956 में अंडर वन सेक्शन 165 कंपलसरी था पब्लिक लिमिटेड के लिए। कंपनीज एक्ट 2013 ने स्टैच्यूटरी मीटिंग बंद ही कर दिया। सो देयर इज नो स्टैच्यूटरी मीटिंग इन कंपनीज एक्ट 2013। एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में एक बार होता है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स का होता है, इसलिए शेयर होल्डर्स का काम ही नहीं है बैंक अकाउंट खोलने का। कौन ओपन करवाता है? बोर्ड। कौन से मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में। बैंक प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू डैश अकाउंट होल्डर, करंट सेविंग के फिक्स डिपॉजिट। करंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेविंग अकाउंट पे नहीं खोल सकता। ओके, फिक्स डिपॉजिट में भी नहीं। नेक्स्ट, डैश इज यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक अकाउंट, पेन स्लिप, विड्रॉल स्लिप, चेक। वैसे कॉमन सेंस है, पे इन कर रहे हो ना तुम, एक पेन स्लिप आती है। विड्रॉल स्लिप तो कैश विड्रॉ करने के लिए, लेकिन विड्रॉल स्लिप के साथ क्या लगता है बेटा? पासबुक। और चेक रहा तो पासबुक की जरूरत नहीं है तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। बोरिंग, एक्सेप्टिंग एंड लेंडिंग मनी आर कंसिडर्ड एज डैश फंक्शन फंक्शन ऑफ बैंक, प्राइमरी सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी, लेकिन इस वाक्य में बाल भारती वालों ने एक कमी किया है। पता क्या? पहले एक्सेप्ट होगा डिपॉजिट और फिर उस पैसे से बोरो होगा ना। एक्चुअली एक्सेप्टिंग बाल भारती में पहले चाहिए था। डज नॉट मैटर, प्राइमरी फंक्शन है किस चीज का? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट के दो प्रकार कौन से हैं? बोलो 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 बोलो। डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो प्रकार कौन से? सेविंग्स और करंट। टाइम में दो प्रकार कौन से? रिकरिंग और फिक्स्ड। शाबाश। सेकेंडरी, नहीं जाने तो तुम बोलोगे सर ये तो टॉर्चर कर रहे हो आप हमको। यूटिलिटी समथिंग, वाओ। सेकेंडरी में कौन से दो फंक्शन है मेन? एजेंसी और यूटिलिटी। नेक्स्ट, विड्रॉल्स आर नॉट परमिटेड फ्रॉम द डैश डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड, करंट, सेविंग्स। फिक्स भाई, सेविंग से कर सकते हैं डिपॉजिट, लेकिन उसमें लिमिट रहता है। सबका मालिक एक बेटा। डैश अकाउंट इज सुटेबल टू सैलरीड पीपल, सेविंग्स, करंट, फिक्स्ड। देखो चेंज हो गया, फिक्स से सेविंग्स में आ गया। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जनरली इज इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डैश डिपॉजिट अकाउंट, करंट, सेविंग, फिक्स। बोलो, सोच क्या रहे हो? करंट थोड़ी लग रहा है, करंट ही है। करंट अकाउंट में नहीं मिलता इंटरेस्ट, सेविंग और फिक्स। सबसे ज्यादा फिक्स में रहता है, उससे कम रिकरिंग, उससे कम सेविंग, तो बिल्कुल नहीं करंट। अ डिपॉजिट विच इज केप्ट फॉर फिक्स पीरियड इन बैंक इज कॉल्ड फिक्स, करंट, रिकरिंग। इसमें तो कोई गधा भी आंसर दे सकता है। इधर नाम फिक्स है तो इधर फिक्स ही होगा ना बेटा, है ना? सब ए है, हमारा नसीब अच्छा है। चलो अभी पहला, लॉस चेक, घुमा हुआ चेक को क्या बोलेंगे हिंदी में? चेक ही बोलते हैं। चलो ना,
ग्रुप बी, ग्रुप ए को ग्रुप बी के साथ जोड़ो। रेस्ट्रिक्शन ऑन, बेटा रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स, और कुछ ढूंढो। सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स, और कुछ मिल रहा है? सोचो 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 बेटा। लॉस्ट चेक तो तुम स्टॉप पेमेंट करोगे ना, तुम्हारे से चेक गुम गया, लेटर भी था, हमने लेटर देखा था पिछले वीडियो में। तो करेक्ट आंसर क्या है लॉस्ट चेक का? स्टॉप पेमेंट। समझ में आया? अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर। अभी ऑब्जेक्टिव्स में हुआ था बेटा, दिमाग लगाओगे तो। शाबाश, इसी बात में तुमको मिलता है फ्री ट्रिप टू मालदीव्स, अकेले ही जाओगे। उदय शेट्टी तू किसके साथ जाएगा? दिशा पटनी के साथ जाएगा, एक्ट्रेस है, मैंने सुना है, कल कोई बोल रहा था। हाँ पता तो है भाई को अच्छे तरीके से। हाँ हाँ धीरेन जाएगा, लेकिन वो जो ऑर्डर करेगी बिल इतना ज्यादा आएगा, धीरेन बोलेगा चलो वापस वाले से गोवा ही परवड़ेगा, बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली। मालदीव जाएगा, तू भी जाएगा, स्विमिंग करके चले जा, तू स्विमिंग चैंपियन है ना, जा सकता है जुहू से मालदीव। कितना टाइम लगेगा? जाएगी मछली खा जाएगी। क्या किया जाए, कोई बात नहीं बेटा, तू हम लोग सोमेश्वर में ही बोट में बैठ के बोटिंग करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। बोलो सीसी, कैश क्रेडिट। अकड़ बकड़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे से, और भी बहुत सारे किसमें सीसी में एड्रेस मिलता है। हायर सीसी में नहीं बेटा, हायर एफडी में मिलता। अरे एफडी में, अगला आंसर क्यों बोलूं मैं? देखो गलती हो गई भाई, लेकिन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, कौन बताएगा। कैश क्रेडिट, जल्दी बोलो, ढूंढो 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 ढूंढो, सब एक एक बोल दो, कोई तो एक राइट होगा। गणेश बाबू, लो सेपरेट अकाउंट, कैश क्रेडिट एक सेपरेट अकाउंट होता है। याददाश्त चली गई तुम्हारी, गजनी बन गए तुम। हाँ फिक्स डिपॉजिट। हाँ मैडम, हाँ क्या दिमाग लगाया तुमने, नहीं सॉरी क्या कान से सुना, तुम्हारे कान कितने तेज है। वो गलती से मैंने आंसर बोल दिया था, सर को कैसे पता? सर है, पता है, सेविंग अकाउंट पीछे। मैडम बोलो ना, कोई उमंग है ना कोई तरंग है, हमारी जिंदगी पूरी तरीके से कटी पतंग है, कौन बताएगा सेविंग अकाउंट? एक ही करके एनालिसिस करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज फॉर रेस्ट्रिक्शन विड्रॉल, सेपरेट अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग। अरे कितना इजी है ना बेटा, 13वां, सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल। एक्चुअली ना रेस्ट्रिक्शन और सर्टेन है वही होना चाहिए, तो तेरा आंसर टेक्निकली करेक्ट है। रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल जो है, ये रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल और सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल लगभग सेम है, सो आई शुड गिव यू द करेक्ट आंसर। ये बाल भारती की कृपा है। तो कौन सा, तो एफ का बोल रही है क्या, ई का बोल रही है? ई का भी तो बोल दिया। नहीं, सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स भी चलेगा, और रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स भी ऑल राइट, पेन स्लिप। कुछ तो छुपा हुआ है सर, इधर छुपाया था आपने। पेन स्लिप क्या करते हैं आप, कैश और चेक डिपॉजिट करने के लिए यूज करते हैं। लास्ट, वो अपन क्या बोलते हैं, आप लास्ट हो पर लीस्ट नहीं। मैं एक फोन सुन रहा था, एक जन को इंग्लिश ठीक से आती नहीं थी, वो दूसरों को बोल रहा था फोन में, यू आर द लास्ट बट द लीस्ट, बट नॉट द लीस्ट बोलते ना, उससे क्या बोला, आप लास्ट हो और लीस्ट, और मेरी हंसी निकल गई, मेरे को देख रहा क्या हो गया, बोला कोई नहीं, आप लास्ट हो और आप लीस्ट हो, नॉट द लीस्ट बोलना चाहिए ना, भाई ने बोल दिया बट द लीस्ट, ऑर्डर फैसिलिटी। बोलो सही जवाब। राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज, अ स्लिप यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश एंड चेक इन बैंक अकाउंट। एस, हाँ SLEEP मत करना, SLIP, ठीक है? कौन सा, पेन स्लिप। इसमें क्या डिपॉजिट होता है, कैश या चेक, दो चेक रहे तो दो अलग अलग स्लिप फाइल करने का। आजकल तो इसका भी रेलेवेंस कम हो गया है, क्योंकि तुम सिर्फ कैश डिपॉजिट मशीन में डालते हो, चेक की भी SBI की बहुत बढ़िया मशीन आ गई है,
तुम चेक डायरेक्टली डालो, कोई पेन स्लिप की जरूरत ही नहीं है। ये भविष्य में बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और एचडीएफसी में मैंने नोट किया, चेक मिला ना मुझे, पीछे में साइन करके डाल दू, पेन स्लिप की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो पेन स्लिप का इंपॉर्टेंस कम होते जा रहा है। एसबीआई में तो मशीन में डाल दो, एचडीएफसी में बस तुम्हारा अकाउंट नंबर पीछे डाल दो, जमा हो जाता है। तो पेन स्लिप चेक में कुछ बैंक्स नहीं लेते, बाकी चेक तो बैंक्स तो मांगते हैं, लेकिन धीरे धीरे पेन स्लिप का रिलेवेंस कम हो गया है। परमिशन टू विड्रॉ एक्सेस अमाउंट फ्रॉम करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट बोलो, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलो, लेकिन ओवरड्राफ्ट भी चल जाए, क्या बोलोगे? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलो, ओवरड्राफ्ट बोलो, चलेगा। सेपरेट लोन अकाउंट अंडर विच द शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक टू द बिजनेस। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शॉर्ट टर्म है ना, तो कैश क्रेडिट बोलो। नेक्स्ट, द शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी गिवन बाय बैंक टू करंट अकाउंट होल्डर। अभी ये सर जेंटलमैन को बोलने दो। चलो जेंटलमैन, द अकाउंट विच इज जनरली ओपन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, करंट अकाउंट, शाबाश। रिक्वेस्ट ऑफ सेक्रेटरी टू द बैंक नॉट टू मेक द पेमेंट ऑफ चेक, क्या करोगे? स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, इसके बैंक चार्ज लेगा, फुकट का नहीं देगा, मैंने लेटर में बताया था। अभी जेंटलमैन, ये सर उदय शेट्टी, द टाइप ऑफ अकाउंट फॉर विच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड टू बैंक डिपॉजिटर्स, फिक्स डिपॉजिट। हाँ, सुजल को बोलने की इच्छा है, बोल। द स्लिप विच इज यूज फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम सेविंग अकाउंट, रनीश बाबू पीछे, मैडम श्रावणी, स्वामी, मेरे को नाम में बहुत गड़बड़ी होता है, स्वामी श्रावणी, हाँ बोल। बोलो। अरे विड्रॉल मनी इस कुछ, चलो एक हिंट देता हूँ, क्वेश्चन में आंसर है। ऐसा बोला, मैंने बोला था, तूने खुद को बोला कि मन में बोला, जबान से बोला, मन में बोला, मुझे तो सुनाई में नहीं है। बोला था हाँ या ना बोलो, और हाँ बोलोगे तो मुझे बड़ा दुख होगा कि मेरे कान की शक्ति कम हो गई है, और नहीं बोला तो तुमने मन में बोला, खुद से बात कर रही है तू। अब मेजोरिटी विंस बेटा, तो सपने में बोल रही थी, कोई बात नहीं, मन में था ना आंसर, राइट, ऑल राइट। बट एग्जाम में बेटा ऐसे नहीं बोलना कि सर आता है मन में, उसको क्या करना पड़ता है बेटा, लिखना पड़ता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक, ये भी बताया था मैंने, तीन शब्द बोल सर, तीन शब्द, आई लव यू होता है और यहाँ पे वो नहीं है सर, आई हेट यू होता है, वो भी नहीं है, यूजलेस लोग सिखाया था मैंने। बोलो बोलो, कुछ याद आ रहा है? बी से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अरे भाई ड्रॉ करके बताया था, ड्रॉअर, ड्रॉई, पहले ड्राफ्ट, फिर वो एक्सेप्ट करता है ड्रॉई, फिर पे करता है, कहानी बताई थी ना पूरी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी याददाश्त थोड़ी देर के लिए चली गई थी। ये तुम्हारा फेवरेट है, ट्रू और फॉल्स। बेटा एग्जाम में ऐसा है, तुमको कुछ भी नहीं आ रहा है, नो के नो ट्रू बोल दो, नो के नो फॉल्स बोल दो। बहुत इजी है वैसे, जॉइंट स्टॉक कंपनी ओपन करंट अकाउंट, ट्रू। जनरली नो इंट, ये सर जेंटलमैन, जनरली नो इंटरेस्ट इज पेड बाय बैंक ऑन करंट अकाउंट, सर। ट्रू, तेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम था बट बोल दिया तूने, था कॉन्फिडेंट, बढ़िया। मैं भेंगा नहीं हूं, मैं तेरे तरफ ही देख रहा था बेटा, कोई बात नहीं। अब भेंगा मतलब तिरछा नजर वाला, मेरा नजर इज नॉर्मल। इन कैश क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय बैंक विद सैंक्शन अमाउंट, ट्रू। सैंक्शन अमाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। बोर्ड रेजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन द करंट अकाउंट विद द बैंक, कॉमन सेंस, फॉल्स। ये साइड, बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी इज ऑपरेटेड बाय शेयर होल्डर, भाई शेयर होल्डर रहेगा तो पहले विड्रॉ कर देगा, खुद के नाम पे 5 लाख रुपए का चेक और कंपनी का अकाउंट खाली, सिर्फ डायरेक्टर ही ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी साइनिंग में भी तीन चार डायरेक्टर का ही वो कार्ड दिया रहेगा, बाकी डायरेक्टर को सपोर्ट भी नहीं कर सकते। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ग्रांटेड टू सेविंग अकाउंट होल्डर्स, फॉल्स। कौन सा अकाउंट होल्डर इज द करेक्ट आंसर? करंट अकाउंट होल्डर। बैंक करस्पॉन्डेंट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, कॉमन सेंस, ट्रू। इट इज नेसेसरी टू इंस्ट्रक्ट द बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक विच इज लॉस्ट,
कुछ चीजें कॉमन सेंस भी है बेटा, हर चीज में टेक्निकलिटी नहीं है। बैंक ये टेक्निकल है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अ लॉन्ग टर्म फैसिलिटी, बोलो। फॉल्स, क्यों? इट्स अ शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म इज लेस देन 1 ईयर। बैंक्स ग्रांट लॉन्ग टर्म लोन्स ओनली, फॉल्स, क्यों? आजकल बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन्स भी देते, उल्टा शॉर्ट टर्म लोन उनके लिए ज्यादा सेफ है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में रिपेमेंट होगा, 20 साल के बीच में धंधे को कम ज्यादा हो जाए, ठीक है। ऑड वन, एक दिन में बहुत सिली, शाम शाम का बैच पे चल रहा था, सर देखो पहले में डिपॉजिट है, इधर डिपॉजिट है, इधर डिपॉजिट है, तो ये होना चाहिए, समझा? उसने ये दिमाग लगाया। ऑफ कोर्स ये 3 प्रकार के डिपॉजिट है, ये लोन है। फिर मतलब बेटा आप दूसरे का आंसर दे, तो रुक गया जो कि दूसरे में ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन है, डिस्काउंटिंग में शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये डिपॉजिट है, तो करेक्ट आंसर क्या है? चलो किसका टर्न है? आप तो बड़े दिनों बाद आए राजा बाबू, आप ही बोलो। मैं इसको फोटो वा को नीचे कर दूं। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच रिसीव्स डिपॉजिट्स एंड मनी इज कॉल्ड एज, ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। द बोर्ड गिव विच गिव्स अस मार्क्स, महाराष्ट्र बोर्ड, कितना मस्त है। ऐसे आंसर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डैश। अब देखो एक आइडिया बताता हूँ, सर आपने लाइन बड़ा ओपन किया तो बड़ा शब्द होना चाहिए, बैंक के पहले क्या शब्द आता है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट बैंक, ऐसा नाम को तो मुझे बैंक सुना ही नहीं है, ऐसा नाम का बैंक होता ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक होगा या प्राइवेट सेक्टर होगा या दोनों मिलकर क्या होएगा? कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट बैंक। लेकिन तू नॉलेज से अपना आंसर सही कर सकती है, तूने गवर्नमेंट बैंक बोल दिया सामने वाले बोला नो, तो क्या बोलेगी? सर बट गवर्नमेंट का अकाउंट हैंडल करने वाला एक बैंक है, उसका नाम है आरबीआई, सेंट्रल बैंक, उसको इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, एस्टेब्लिश हुआ तो 1949 में, और चाइना में उसको बैंक ऑफ चाइना बोलते हैं, अमेरिका में फेडरल बैंक बोलते हैं, ऐसा कवर अप कर देने का, तो उसके लिए थोड़ा नॉलेज लेना पड़ता है। चलो नेक्स्ट, अ फैसिलिटी अंडर विच अ कस्टमर कैन ओवरड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट इज कॉल्ड, अभी एक दिमाग लगाने का, यहाँ फैसिलिटी बोला है, फ्रॉम हिज अकाउंट इज कॉल्ड, लोग गलती से करंट अकाउंट लिख सकते हैं, बट फैसिलिटी किस चीज का लोगे? बोलो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोगे फ्रॉम द करंट अकाउंट, यहाँ पे गलती से बच्चे करंट अकाउंट लिख सकते हैं, बट यहाँ फ्रॉम हिज अकाउंट बोला है ना, फैसिलिटीज करंट, फैसिलिटीज ओवरड्राफ्ट, फ्रॉम विच अकाउंट? करंट अकाउंट, ऐसा दिमाग लगाना और चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलो, सिर्फ ओवरड्राफ्ट बोलो, अंडरस्टूड है, वो मार्क्स दे देना चाहिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज गिवन टू, लेकिन यहाँ पे बड़ा लाइन में सर करंट अकाउंट होल्डर डाल दू, गिवन टू होम, करंट अकाउंट एक अकाउंट है, किसको दिया जाता है? उस करंट अकाउंट का होल्डर, मालिक को। चलो ए बी सी डी, ओवरड्राफ्ट, बेटा खुद का दिमाग मत लगाओ, ये 4 में से चुनो। ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है? करंट अकाउंट। नेक्स्ट, प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कितना बढ़िया। सी, इंटरनेशनल ट्रेड में लेटर ऑफ क्रेडिट, और बेटा तेरा फेवरेट चौथा जो बचा हुआ है, तेरा फेवरेट आंसर बोल, जो तीन तीन तो इसमें से कट गए, एक एक पेंसिल से काट, पहले काट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हो गया, काट करंट अकाउंट, काट एलसी, काट, बचा क्या बोल बेटा? हाँ, दिमाग लगाने का ही नहीं इसमें, काटने का जो बचा हुआ है वो। ये कौन करता था? शाम के बैच में एक हमारा स्टूडेंट है, वो ही हमेशा चौथा आंसर देगा, बाकी तीन में चुप रहेगा, बट आखिरी सर में बोलूंगा, क्यों? जो बचा हुआ ये रहेगा ना बिजनेसमैन, ऐसा। व्हाट इज द लेटर ऑफ क्रेडिट? बोलो, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट इज ओपन बाय द इंपोर्टर्स बैंक इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर, वंस द एलसी इज ओपन इट कैनॉट बी कैंसल्ड, इट्स अ गारंटेड वे ऑफ द एक्सपोर्टर ऑफ रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम द एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स, विच फैसिलिटी इज गिवन टू द करंट अकाउंट होल्डर, करंट अकाउंट होल्डर इज गिवन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वेर इन ही कैन ड्रॉ और इश्यू चेक्स इन इवन इफ द बैलेंस इज जीरो,
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ओवरड्राफ्ट बैलेंस. व्हाट डू यू मीन बाय द स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक? द कंपनी राइट्स अ लेटर टू द बैंक इन दोज केसेस वेयर द चेक इज लॉस्ट और इज मिसप्लेस और कैन नॉट बी फाउंड. खुद के वर्ड से बेटा थोड़ा लिख सकते हो. सर हम लिखेंगे नहीं, हम फेंकेंगे, तो फेंक देना. ये बहुत बढ़िया है. इसका ना बच्चे लोग ये बहुत खुश होते हैं, पता है क्यों? ऑपोजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक. बेटा दो ही फंक्शन होते हैं, एक सेकेंडरी और एक, तो आंसर क्या होगा? प्राइमरी. प्राइमरी में दो फंक्शन बताओ, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लेंडिंग. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के दो प्रकार बताओ. हाँ नहीं, टाइम और डिमांड. टाइम में क्या आएगा? एफडी रिकरिंग. और डिमांड में क्या आएगा? सेविंग करंट. लेंडिंग में कौन सा आएगा? लोन और एडवांसेस. सेकेंडरी फंक्शन में दो फंक्शन कौन सा? व्हाट इज सीसी? वो लेंडिंग में हुआ सेकेंडरी. तेरा फेवरेट पब्लिक यूटिलिटी और एजेंसी याद है? बिजनेस एंड ओपन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. अब बेटा इसमें ऑपोजिट सोच समझ के, क्योंकि रिकरिंग सेविंग करंट तीन है. दिमाग तो बड़ा तेज है, तू आता एक दिन और छकड़े मारते आके. हर रोज क्यों नहीं आता? हर रोज छकड़े मारेगा. तो स्विमिंग करता हूँ गोदावरी इधर का. सोमेश्वर में क्या है स्विमिंग? क्या अलाउड नहीं है? नहीं किया. अंडर कैश क्रेडिट फैसिलिटी बिजनेसमैन अकाउंट होल्डर कैन ओवरड्रॉ. ये तो तुमको पता है. सीसी का ऑपोजिट क्या होगा? क्या सोच रहे हो? ओवरड्राफ्ट बोल दो, मैंने तो ठीक से रीड भी नहीं किया. उइमा, ये तो खत्म हो गया इतने जल्दी. मुझे तो लगा था केसेस आएगा, बट अभी ख्याल में आया केसेस तो इसमें है नहीं. तो इस प्रकार से तुम्हारा ये फेवरेट चैप्टर, जिसमें तुम कमिंग सैटरडे को बहुत प्रेम से 25 मार्क का 1 घंटे का टेस्ट देने वाले हो, वो है. ओ अलग टेस्ट है, कोई बात नहीं. दूसरा टेस्ट ये डाल दो. हाँ बहुत बढ़िया. चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग.